7.6 का थ्योरी चल रहा है, इसके पहले भी हुआ है थ्योरी 7.6 का, पहले वाला वीडियो में, ये दूसरा वीडियो है 7.6 का थ्योरी का। तो वन नंबर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स होता है, इतना बराबर होता है। कैसे होता है वो एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। और दूसरा देखिए कॉस बी एक्स है यहाँ प्लस होता है और साइन बी एक्स रहेगा, तो यहाँ माइनस होता है उलट जाता है, साइन वाला पहले आ जाएगा कॉस वाला का चल जाएगा। अब इसके बाद जब चलेंगे तो ये कैसे होता है प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे कहा है एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे कहा है आपका ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले आईलेट लिखने में आई एल ए टी ई कौन आया है, ई सबसे लास्ट में है, ई सबसे लास्ट में है, ई सबसे लास्ट, ई सबसे लास्ट में, तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया का फर्स्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकेंड डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट के बाद सेकेंड के आई सी, बढ़िया से थोड़ा लिखिए, फर्स्ट के बाद सेकेंड का आई सी माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन सेकेंड का आई सी जो यहाँ रहता है वही यहाँ डी एक्स, अब फर्स्ट का डी सी हो जाएगा, फर्स्ट वाई कितना हो जाएगा डी एक्स, ये क्या हो गया डी एक्स, यही आपका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आइए देखिए फर्स्ट कौन है आपका कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स बाहर निकल गया, ई के पावर कितना हो गया ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स डी एक्स और डी कॉस कितना हो जाएगा बी एक्स अपॉन डी एक्स और पूरा होल के का डी एक्स, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बराबर चलेगा कॉस बी एक्स जो बाहर है तो बाहर ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स एक्स का डीसी कितना हो जाएगा ए इंटू वन डी सी से डिवाइड माइनस ई के पावर कितना हो जाएगा ए एक्स आई एक्स का डीसी से डिवाइड ए इंटू वन कॉस बी एक्स के आई सी डी सी कितना हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स के बी इंटू वन और इसके बाद क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। डी सी में गुणा में लिखाता है, आई सी में कहाँ लिखाता है नीचे में लिखाता है। यहाँ देखिए क्या हो गया वन बाई ए इसमें भी है वन बाई ए इसमें भी है, वन बाई ए साफ का निकाल दिए बाहर, चाहे लिख दो ई के पावर ए एक्स बाई ए कॉस कितना हो गया बी एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा वन बाई ए का बाहर कर दो, ठीक है। बी ओ में कर दो बी बाई ए बाहर कर दो तो क्या बचेगा ई के पावर ए एक्स आई इंटू साइन कितना बचेगा बी एक्स और ये क्या हो गया डी एक्स, पुनः इसमें लगा दो सेकेंड फर्स्ट ये सबसे बात में था एक्सपोनेंशियल तो सेकेंड ई का हो गया फर्स्ट। अब इसमें लगाते हैं एक स्टेप ई के पावर ए एक्स बाई कितना हो गया ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी बाई ए, ठीक है। इसमें लगाते हैं आई सी तो फर्स्ट के बाहर हो जाएगा यानी साइन कितना हो जाएगा बी एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा ई के पावर ए एक्स डी एक्स और डी साइन बी एक्स बाई कितना हो जाएगा डी एक्स अब पूरा होल के डी एक्स होल के ब्रैकेट, राइट। अब चलिए इसके बाद जब चलेंगे आपका यहां से हो जाएगा आई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स अब आई कितना हो गया ए इंटू कॉस कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस बी बाई ए इसका साइन बी एक्स ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स हो जाएगा एस के डी सी से डिवाइड ए इंटू वन माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स अब आई कितना हो गया ए इंटू वन और साइन बी एक्स के कॉस बी एक्स अब बी एस के बी इंटू वन अकाउंट डी एक्स, राइट। अब देखिए आई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स बाई ए हो गया और कॉस बी एक्स, ठीक है, प्लस गुणा कीजिए बी बाई ए स्क्वायर साइन
बी बाई ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स इन टू साइन बी एक्स और माइनस टेन हो जाएगा बी स्क्वायर बाई क्या था ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स आई इन टू कॉस कितना हो जाएगा बी एक्स और क्या हो गया बी एक्स कॉस हो जाएगा बी एक्स और क्या हो जाएगा बी एक्स समीकरण वन से देख लो ना इतना है ना इसके जगह पर क्या लिख देंगे आई तो समीकरण समीकरण वन से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा ई के पावर ए एक्स कॉमन है ई के पावर एक्स कॉमन लेता है ई के पावर ए एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस बी एक्स बाई ए प्लस बी साइन बी एक्स बी साइन बी एक्स बाई ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई कितना हो गया ए स्क्वायर इन टू क्या हो जाएगा आई इसको इस साइड में लाइए आई प्लस बी स्क्वायर बाई कितना हो गया ए स्क्वायर बराबर ई के पावर ए एक्स बटा पर जोड़ बनाइए ए स्क्वायर हो गया तो ए से भाग देंगे तो ए मत में कटेगा ए से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए कॉस बी एक्स ए से कटेंगे वन मत में बी साइन कितना हो जाएगा बी एक्स अब देखिए इसके बाद में इतना ही हो गया अब देखिए यहाँ पे प्लस सी लिख सकते हो कोई दिक्कत का नहीं है आई भी है समझ रहे ना अब आई कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये ए है अब देखिए यहाँ पे अब जब चलेंगे तो एक एक पावर कितना हो जाएगा ए एक्स बाई ए स्क्वायर यही लिख दिए और छाप दीजिए ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स राइट अब देखिए आई हो गया यहाँ बटा पर जोड़ मानिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कितना हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू ई के पावर ए एक्स बाई कितना है ए स्क्वायर ए कॉस बी एक्स अब प्लस बी साइन कितना हो गया बी एक्स ए स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया आई इक्वल टू ध्यान दीजिएगा ई के पावर कितना बा ए एक्स आई गुणा में बता कहाँ चलाई भागा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू ए कॉस बी एक्स अब प्लस बी साइन बी एक्स अब प्लस सी चलता दिस इज द का हो गया प्रूफ ठीक है तो पहला फॉर्मूला क्या कर चुके प्रूफ कर चुके ठीक है इसी तरह से हूबहू दूसरा भी क्या कर सकते हैं आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा ठीक है इस पे एक एग्जांपल देते हैं ठीक है एग्जांपल में आइए चलते हैं एग्जांपल नंबर वन में इवैल्यूएट इवैल्यूएट मतलब ज्ञात करें क्या ज्ञात करें आइए दिखाते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स डीएक्स ठीक है इसी को क्या करना है ज्ञात करना है चलिए चलते हैं आगे इसके बाद हल करते हैं ठीक है लेट आई इक्वल टू आपका दिया गया है कितना है साइन लॉग एक्स डीएक्स ठीक है लेट करते हैं लॉग एक्स बराबर टी मानते हैं क्या मानते हैं टी टी या जेड भी मान सकते हो उसमें कोई दिक्कत का है नहीं टी मान लो तो अब यहां पर डीसी नहीं करेंगे ऐसा कैसे पता चल गया कि डीसी नहीं करेंगे इसलिए डीसी नहीं करेंगे कि आपको यह देखना होगा कि अगर डीसी करते हैं तो वन बाई एक्स आएगा डीसी करते हैं तो क्या आएगा वन बाई एक्स आएगा इसलिए डीसी का इस साइड में ले जाएंगे लॉग को ले जाएंगे तो बेस इसमें कुछ नहीं है तो क्या है बेस इसमें ई है तो हम लोग क्या करते हैं आर्गुमेंट इक्वल टू बेसवा के पावर हो जाता है आरचे सवा
अब इसका डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट टू वन, ई के पॉइंट टी के डीसी के पॉइंट टी, और टी के डीसी डी टी बाई डी एक्स। अब देखने वाला जहाँ से क्या निकलेंगे डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ई के पावर टी डी टी, राइट। अब यहाँ आई इक्वल टू क्या करते हैं लिखते हैं, यह हो गया साइन, यह हो गया टी माने थे ना, और डी एक्स के माना गया ई के पावर टी डी टी, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको सजा कर दे, ई के पावर टी आई इन टू साइन टी, और क्या हो गया डी टी। ध्यान दीजिएगा हम इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका बताए थे आप लोग को कि अगर e के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर ए एक्स बाई कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, यही फॉर्मूला होता है। तो ए भी कहाँ है इसमें, कौन है ए भी, एक जगह पर कुछ नहीं है तो वन है, एक जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है वन, ठीक है। तो यहाँ हो गया ई वाला ए और ई वाला क्या है बी, यानी ए ओ बराबर वन है और बी ओ बराबर क्या है वन, सबका वैल्यू सेट करते हैं, यानी ई के पावर ए, ए मतलब वन, और एक्स ना है टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन टू टी, अब बाई कितना वन के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर, ए मतलब वन साइन बी मतलब वन एक्स मतलब टी माइनस बी मतलब वन कॉस बी मतलब वन एक्स के मतलब क्या हो गया टी, ठीक है। यहाँ पर आइए तो इसके पावर हो गया टी अपॉन टू, कितना हो गया टू, आई हो जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस सी हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा सी, ई प्लस का होता है सी, तो ई के पावर टी अपॉन टू, टी के मान रखिए टी के मान कितना है लॉग एक्स है, तो ई के पर कितना हो जाएगा लॉग एक्स, आई हो जाएगा साइन साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका बेस कुछ नहीं तो कहा है ये, ऐसे भी बोलते हैं कि जब दोनों रे बेस रहता है, इससे बेस है नहीं, बेस वो है नहीं, तो बेस नहीं है तो क्या है ई के पावर में, ई के कम है पावर में लॉग रहता है और बेस भी का है ये है, तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, खाली आर्गुमेंट हो जाता है, यानी एक्स बाई टू का हो जाएगा एक्स बाई टू साइन लॉग एक्स, कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज द क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला थ्योरम है, अब इसको बनाते हैं मेथड टू से। लेट आई इक्वल टू आपका दिया गया है ठीक है पावर, वहां पे दिया गया लॉग साइन लॉग एक्स साइन लॉग एक्स डी एक्स, यहां भी लेट तो करना होगा, लेट लॉग एक्स इक्वल टू कितना टी, यहां भी बेस कुछ नहीं था तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया ई के पावर टी, ई के पावर टी हो गया था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी एक्स ना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे तो एक्स का डीसी वन हो गया ई के पावर टी के पावर टी, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, दे आर इम्प्लाई डी एक्स के मान निकलने डी एक्स से जगह वन है तो ई के पावर टी डी टी, कोई दिक्कत नहीं है आई में सेट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी आई इंटू डी टी के मान के पावर टी डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए आई इक्वल टू एक बराबर लिख दीजिए, हाँ इसी पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एक्सपोनेंशियल है सेकंड, ये कहा फर्स्ट, कैसे
ई है ट्रिगो, आई है एक्सपोनेंशियल। तो आई जेड लिखने में आप लोग देखिए रहे हैं, आई एल ए टी पहले आएगा, ई कम आएगा बाद में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट के बाहर बाहर कीजिए साइन टी, इंटीग्रेशन लिखे पर क्या होगा टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिखे पर क्या होगा टी डी टी, डी साइन टी बाई कितना हो जाएगा डी टी, और फिर इसका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो गया साइन टी ए का पावर टी के ए का पावर टी, और टी का डी सी टी एक रिस्पेक्ट में वन माइनस ए का पावर टी के ए का पावर टी, टी का डी सी टी एक रिस्पेक्ट में वन साइन टी के कॉस टी डी सी है टी के वन डी टी, यहाँ हो गया ए का पावर टी साइन टी कितना हो गया ए का पावर टी साइन टी माइनस ए का पावर टी है इंटू का हो गया कॉस टी डी टी आई इक्वल टू, फिर इसमें लगेगा सेकेंड फर्स्ट, इसको स्थिर रखिए ए का पावर टी साइन टी माइनस, अब इसमें जब लगेगा फर्स्ट सेकेंड तो फर्स्ट को बाद इंटीग्रेशन ए का पावर टी हो गया डी टी माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर कितना हो जाएगा टी, बड़ा भी ब्रैकेट दे सकता है उसमें कोई दिक्कत का है नहीं, ई के पावर टी डी टी डी कितना हो जाएगा कॉस टी बाई डी टी, यहाँ हो गया डी टी मेन ब्रैकेट ये बंद। इसके बाद देखिए एक स्टेप और लगा सकते हैं, ई के पावर टी हो गया साइन टी माइनस, यहाँ पर जब लिखेंगे तो कॉस टी ए का पावर टी ए का पावर टी और टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में वन माइनस, एक बार इंटीग्रेशन आएगा इस इंटीग्रेशन पर है ए के पावर टी अब आई वन और कॉस टी के माइनस साइन टी टी के वन डी टी ब्रैकेट। इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है आगे देखते हैं, यहाँ पे अटेगा तो अटेगा, यहाँ पे चलते हैं तो बराबर लिख करके चलेंगे कितना ई के पावर टी साइन टी, ई के पावर टी साइन टी माइनस ई के पावर टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस टी, ई के पावर टी कितना हो जाएगा कॉस टी माइनस माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर टी कितना हो जाएगा साइन टी डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण वन से कहाँ से, समीकरण वन से, समीकरण वन से, वन कौन है इसी कौन समीकरण वन से, तो वन से जब चलेंगे तो आई इक्वल टू लिखते हैं सब आई इक्वल टू चल रहा है ई के पावर टी हो गया कॉमन ले लो ई के पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, आई कितना हो गया माइनस आई, माइनस कितना हो गया आई, आई को ले जाओ इस साइड में तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा टू आई लिख देते हैं, क्या टू आई इक्वल टू कितना हो गया ई के पावर टी हो गया साइन टी माइनस कॉस टी अब प्लस सी, प्लस सी रहेगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए के पावर टी अपॉन टू आई हो गया साइन टी माइनस, यहां पे जब चलेंगे तो आई इक्वल टू हो गया ए के पावर ये टी के मान रखो कितना है लॉग एक्स बेस अब आई कितना होगा टू, यहां देखिए साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, ठीक है अब प्लस सी लास्ट है ये बेस सेम है तो ये आर्गुमेंट हो जाएगा एक्स बाई कितना टू, ये हो जाएगा ऐसे लिख दो साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स और प्लस सी इधर का हो गया आंसर, चले तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगला थ्योरम, ठीक है ध्यान दीजिएगा ये आपका फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला का ड्राइंग कर रहे हैं जिसमें वैल्यू पुट कर करके मान निकाल सकते हैं,
तो उस फार्मूला को याद नहीं करना है, मतलब ये हिंट्स दिया गया है कि अगर पावर में एन है, मतलब जैसे पाँच है, तो यहाँ पे पहले सेक स्क्वायर लिख लेंगे और उसके बाद में पावर में दो घटा करके इसको लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू देते हैं, वन नंबर में लेट आई इक्वल टू डी एल है, आई इक्वल टू डी एल है सेक के पावर फाइव एक्स डी एल है डी एक्स। इसको अगर सोल्व करना होगा तो आपको लिखना होगा पहले सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा सेक क्यू एक्स। ऐसे लिख करके इसको टू मान करके इसको फर्स्ट मान करके क्या कर लेंगे, बना लेंगे। लेकिन हम इस तरह से नहीं बना रहे हैं, पहले पावर एन को तोड़ रहे हैं, ये तो दूसरा मेथड से बनाएंगे हम इसको, ठीक है। हम पावर पहले एन को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेक के पावर एन दे रहे हैं, यहाँ पर जब एन देंगे तो यहाँ पर तो टू ए रहेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा एन माइनस टू, यानी टू घट जाएगा, टू का हो जाएगा घट जाएगा। वही फॉर्मूला फिर लगाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आइए यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्मूला में वही पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट को बाहर, फर्स्ट को क्या बाहर, फर्स्ट कितना है सेक के पावर एन माइनस टू, ध्यान दीजिएगा एक्स, सेकंड का आई सी सेक स्क्वायर एक्स का हो गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, सेकंड का आई सी सेक स्क्वायर एक्स का हो गया डी एक्स, इसका डी सी करेंगे डी सेक के पावर एन माइनस टू एक्स, अब आई कितना हो गया डी एक्स होल डी एक्स। चलिए ठीक है, आईसी कीजिए, अभी तो फार्मूला लगा, इसके बाद आईसी करने जा रहा है। तो ये हो जाएगा सेक के पावर एन माइनस टू एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का आईसी टेन एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का डी सी है टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का आईसी क्या हो जाएगा टेन एक्स। अब कहेंगे एस के डी सी एस डिवाइड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये भी हो जाएगा टेन एक्स, इसका डीसी करेंगे, पावर उतारिए पहले, पावर उतारेंगे तो एन माइनस कितना हो जाएगा टू, पावर उतार के पावर घटाइए सेक के पावर एन माइनस टू और माइनस वन, एक और घट जाएगा। अभी पावर का डीसी हुआ, अभी पावर का हुआ, अब सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक का हुआ फिर एक्स के कितना हो जाएगा वन और लास्ट में क्या रहेगा डी एक्स। चलिए इसके बाद ये हो गया सेक के पावर एन माइनस टू एक्स इन टू टेन एक्स, यहां देखिए माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे भी पावर वन है, यहां पे भी पावर का है वन है, तो यहां पे लिख देते हैं टेन स्क्वायर हो जाएगा, पहले कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं एन माइनस टू एल, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक के पावर जोड़ेंगे तो सेक के पावर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एन माइनस टू माइनस वन अब प्लस वन है वाला एक्स डी एक्स। फिर देखिए सेक के पावर एन माइनस टू आई इंटू कितना हो गया टेन एक्स, एक्स हो रहेगा यहाँ माइनस एन माइनस टू, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा टेन स्क्वायर एक्स आई इंटू सेक के पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद जब चलेंगे अगला स्टेप देखिए यहाँ पे हो जाएगा सेक के पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एन माइनस टू इन टू इंटीग्रेशन, इसको भी सेक स्क्वायर बोल दो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इन टू सेक के पावर एन माइनस टू इन टू एक्स डी एक्स। अब देखिए सेक के पावर हो जाएगा एन माइनस टू इन टू एक्स इन टू टेन एक्स माइनस एन माइनस टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एन माइनस टू को बाहर छोड़ देता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन बेस सेम है तो पावर जोड़ाएगा, पावर क्या होगा तो सेक के पावर हो जाएगा टू प्लस एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस, अगर अलग कर दे रहे हैं
sec के पावर n माइनस टू एक्स का हो गया dx। इधर जब चलेंगे sec के पावर n माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एन माइनस टू, अब यहां टू से टू का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा sec के पावर एन एक्स इंटू sec के पावर कितना हो जाएगा एन एक्स डी एक्स माइनस, ये हो जाएगा sec के पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए इसके अगले यहाँ आई है sec के पावर इंटीग्रेशन sec के पावर एन एक्स डी एक्स का मान करना आई है, यहाँ पे आई सेट कर देते हैं, क्या सेट कर देते हैं आई, तो आई इक्वल टू हो जाएगा sec के पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, गुणा भी करेंगे एन माइनस टू, अगला स्टेप में करते हैं इसका वैल्यू आई हो गया माइनस इंटीग्रेशन sec के पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अभी आई इक्वल टू हो जाएगा आपका sec के पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एन माइनस टू आई, माइनस माइनस प्लस एन माइनस टू इंटीग्रेशन sec के पावर एन माइनस टू एक्स अका हो गया dx, इसको ही सेट बनाओ तो आई प्लस एन माइनस वन इंटू का होगा आई इक्वल टू sec के पावर एन माइनस टू, यहाँ पे टू है एक्स इंटू टेन एक्स, आई चल गया उस साइड में तो बचेगा ये ना प्लस एन माइनस टू इंटीग्रेशन sec के पावर एन माइनस टू एक्स और क्या हो गया डी एक्स। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, आई कॉमन ले लेते हैं, आई क्या ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस टू, एन माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा sec के पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स प्लस एन माइनस टू इंटीग्रेशन sec के पावर एन माइनस टू एक्स का हो गया डी एक्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, इसमें क्या हो गया तो आई लिखेंगे और माइनस टू में से वन कटेगा तो क्या बचेगा एन माइनस वन, क्या बचेगा एन माइनस वन आई इंटू एन माइनस वन बचेगा। चलिए अगला स्टेप आगे के बाद में था प्लस एन माइनस टू इंटीग्रेशन sec के पावर एन माइनस टू डी एक्स। अब आई इक्वल टू निकालना है आपको, आई इक्वल टू लिखेगा यहां पे और इसके बाद आई इक्वल टू लिखेगा तो यहां हो जाएगा sec एन माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स, बटा में ये भागा में चल जाएगा एन माइनस वन प्लस यहाँ भी भागा में जाएगा एन माइनस टू बटा में एन माइनस वन इंटीग्रेशन sec के पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ये आपका मेन फॉर्मूला निकला किसका, इंटीग्रेशन sec के पावर एन एक्स dx का, किसका nx dx बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला जब बन के आया, अब देखिए इसका फॉर्मूला बनने के बाद आपको ये देखना है कि वन नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए इंटीग्रेशन है sec के पावर 5x dx, ध्यान दीजिए। तो पहले हम थ्री नंबर बना रहे हैं, थ्री नंबर में कौन था टू नंबर क्वेश्चन था, थ्री नंबर में कौन था टू नंबर क्वेश्चन था, उसी को हम क्या कर रहे हैं बना रहे। तो एन इक्वल टू का पुट करना पड़ेगा इसमें थ्री, तब पुट करेंगे एन इक्वल टू कितना थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री पुट कीजिए
sec के पावर 3x dx फॉर्मूला में ये हो जाएगा sec के पावर 3 माइनस 2x इंटू टेन एक्स बटा में 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 बटा में 3 माइनस 1 इंटीग्रेशन sec के पावर 3 माइनस 1 एक्स टू डी एक्स टू लिखे ये तो निकालना ही है, ये घट के कितना आएगा 1 बाई 2 ये हो जाएगा sec x आई टू कितना प्लस 1 बाई 2 आई हो जाएगा sec x डी एक्स sec x का हो गया डी एक्स 1 बाई 2 sec x इंटू tan x प्लस 1 बाई 2 sec x का ऐसे ध्यान रखते हैं sec x का ऐसे होता है log mod sec x प्लस tan log mod sec x प्लस tan x प्लस c दिस इज द क्या हो गया आंसर। अब इसके बाद नंबर 1 बनाते हैं i इक्वल टू sec के पावर कितना 5x dx। अब इसके लिए उसी फॉर्मूला में पुट करना होगा कितना n इक्वल टू 5 n इक्वल टू कितना 5 पर पुट करना पड़ेगा। चलिए आइए पुट करते हैं तो हो जाएगा sec के पावर 5x dx बराबर आइए पुट करते हैं sec के पावर 5 माइनस 2x n टू कितना हो गया tan x बटा में 5 माइनस कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 2 बाई 5 माइनस 1 इंटीग्रेशन sec के पावर 5 माइनस 2x dx चले इसका आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं आइए देखते हैं। इक्वल टू हो गया आपका इंटीग्रेशन 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 था नहीं यहाँ पे हो गया 1 बाई 4 कितना हो गया 1 बाई 4 sec qx इंटू tan x प्लस ये हो गया 3 बाई 4 इंटीग्रेशन sec qx dx देखें। अब ये रखना पड़ेगा sec qx के मान्य था पूरा सिस्टम का करना होगा पुट अप करना होगा इसका मान इसी वजह से पहले इसको बनाए इसी वजह से पहले क्या बनाया इसको बनाया तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं क्वेश्चन 1 से 1 बाई 4 हो गया ध्यान से देखिएगा sec qx इंटू tan x प्लस 3 बाई 4 बाहर निकल गया इसका वैल्यू पुट कीजिए 1 बाई 2 sec x इंटू प्लस 1 बाई 2 लॉग मॉड sec x प्लस tan x अब प्लस सी साफ लिखो बाहर ठीक है तो 1 बाई कितना हो गया 4 sec qx इंटू tan x प्लस 3 बाई f और sec x इंटू tan x प्लस 3 बाई 8 log mod sec x प्लस tan x प्लस कितना हो जाएगा c। अब देखिए कहेंगे भीतर c रखेंगे तो भीतर रखेंगे तो कोई दिक्कत का है नहीं है फिर यो मल्टीप्लाई होगा भीतर में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों कॉन्स्टेंट में मिला के एगो कॉन्स्टेंट फिर क्या कर लिखल जाए ठीक बा। अब देखिए इधर अब यहां पे क्या होगा इसके बाद में इतना ही आंसर हो जाएगा इतना ही क्या हो जाएगा ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा बनाना होगा तो वो ऐसे देखिए मेथड 2 से बनाते हैं ठीक है मेथड 2 से बनाते हैं इस क्वेश्चन के बनाते हैं पहले किसका बनाते हैं sec qx dx अच्छा मेथड 2 से बनाते हैं फॉर्मूला का बिना यूज किए हुए
तो sec qs के ये रूल हमेशा पालन करना होगा कि आपको sec square x बाहर निकालना होगा। ये क्या हो जाएगा dx इनटू कितना हो जाएगा sec x, इसको सेकंड मानना होगा। क्यों इसको सेकंड मानते हैं? क्योंकि इसका इसका अवकलन आसान है, समाकलन आसान है। समाकलन का sec square x का इसी कितना होता है tan x, इसका समाकलन आसान है इसीलिए इसको 2 मानते हैं। इसको क्या मानते हैं फर्स्ट, तो आइए 2 को बाहर निकालिए, फर्स्ट को बाहर निकालते हैं ना sec x dx, sec x इंटीग्रेशन sec square x dx माइनस इंटीग्रेशन sec square x dx और d कितना हो जाएगा sec x by कितना हो जाएगा dx, ये क्या हो गया dx। चले आगे देखिए, ये हो गया sec x, ये कितना हो जाएगा tan x माइनस tan x इनटू sec x इनटू tan x, sec x इनटू tan x, ये क्या हो गया dx। घबराना नहीं है, sec x इनटू tan x माइनस ये हो गया tan square x, tan square x इनटू क्या हो जाएगा sec x, ये क्या हो गया dx। अब देखिए यहाँ पे sec x इनटू tan x माइनस, अब इसको बदलने के sec square x माइनस, समझ रहे हैं, 1, अब फिर हो गया क्या sec x, क्या हो गया dx। अब अलग अलग करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए तो ये हो गया कितना sec x इंटू tan x माइनस, गुणा करो sec में तो ये कितना हो जाएगा sec qx, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा sec qx dx माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा sec x dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जब चलेंगे तो इसको छापिए sec x इंटू tan x माइनस आई हो जाएगा, कहाँ से समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ से 1 से, समीकरण कहाँ से 1 से, आई इक्वल टू, ठीक है ना, आई इक्वल टू आई चल रहा है, ठीक है, आई अब प्लस कितना हो जाएगा आपका sec x का, इसी तो जानना करते हैं log mod, log mod कितना हो जाएगा sec x प्लस कितना हो जाएगा tan x, अब प्लस कितना हो गया c, अब यहाँ से आई आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i, आई आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i। चलिए देखिए आगे बनाते हैं इसके, 2i इक्वल टू हो जाएगा sec x into tan x plus log mod sec x plus tan x, तो i इक्वल टू निकालेंगे, क्या इक्वल टू, i इक्वल टू 1 by 2 sec x into tan x plus यहाँ भी हो जाएगा 1 by 2 और log mod sec x plus tan x, दिस इज द क्या हो गया आंसर। इसके बाद में एक और क्वेश्चन था, पहला नंबर ये था इंटीग्रेशन sec के पावर 5 x dx, इसको भी लिखेंगे अगर i इक्वल टू लिख लो sec के पावर 5 x dx, i इक्वल टू बोले तो इसको पहले sec स्क्वायर x लिख देंगे और dx ये कितना हो गया sec के पावर, तो 2 घटाएंगे qx qx dx, अब इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट, फर्स्ट के बाद qx इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का होगा dx, इसका डिफरेंशिएशन होगा d sec के पावर qx, अब आई कितना हो जाएगा dx, ये भी हो जाएगा कितना dx। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया है फर्स्ट के बाद सेकंड का, इसी सेकंड का इसी फर्स्ट का डीसी का आईसी, यहाँ देखिए हो गया आपका sec qx, sec square x का इसी कितना होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन, ये हो गया tan x, पावर का होगा पावर उतार के पावर घटाएंगे sec square x और sec x हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। चलिए आगे छापिए sec qx i into tan x माइनस
ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, थ्री बार निकाल दो, टेन स्क्वायर एक्स इन टू सेक क्यूब एक्स। चलिए इसके बाद में जब चलेंगे तो आपका हो जाएगा sec क्यूब एक्स इन टू टेन एक्स माइनस थ्री, इसको बदलेंगे sec में, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इन टू sec क्यूब एक्स dx। इसके बाद जब चलेंगे यहाँ पे छापा छापी यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई sec क्यूब एक्स sec क्यूब एक्स है sec स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो sec अपॉन फाइव एक्स डी एक्स अलग कर दिए माइनस माइनस प्लस हो गया थ्री और sec क्यूब एक्स अटा हो जाएगा डी एक्स। अब इसका जब चलेंगे आगे तो यहाँ पे देखिए क्या करता है, यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल टू हाँ इतना का मान i है, इतना का मान कितना है i है, समीकरण मान मान लेते हैं, समीकरण मान से समीकरण से जब चलेंगे sec क्यूब एक्स आई इंटू टेन एक्स माइनस थ्री आई, थ्री आई प्लस थ्री और sec क्यूब एक्स का लिख देते हैं sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सेकेंड ये हो जाएगा फर्स्ट, ये जाके कितना हो जाएगा फोर आई, फोर आई इक्वल टू ये हो जाएगा sec क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स अब प्लस थ्री, इसका फर्स्ट सेकंड लगा लो, फर्स्ट के बाद सेकंड सेकंड का ऐसी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कहा है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डबल इंटीग्रेशन ब्रैकेट रहता है इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आई हो गया डी sec x बाई कथा हो गया डी एक्स ब्रैकेट डी एक्स ब्रैकेट। इसके बाद जब चलेंगे i इक्वल टू निकालना है तो वन बाई फोर हो जाएगा sec क्यूब एक्स इन टू टेन एक्स प्लस थ्री बाई वी फोर हो जाएगा, ये लिखिए sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स का ऐसी टेन एक्स माइनस ये भी हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए इसके बाद जब चलेंगे तो वन बाई फोर sec क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स प्लस थ्री बाई फोर sec x इंटू टेन एक्स माइनस थ्री बाई फोर यहाँ भी आ गया इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू sec x डी एक्स। अब यहाँ पे चलेंगे i इक्वल टू वन बाई फोर इसमें ये ध्यान देना होगा कि निकाल कर आप सोच रहे हैं कि इसी तरह से जिस तरह से चला था क्यूब होगा तो इसका वैल्यू इसी में निकाल लेंगे तो ये पॉसिबल का है नहीं, ये जो है आ करके आप यहाँ फंस जाएंगे क्यूब एक्स जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू आप कहाँ से रख पाएंगे ये पता क्या करेगा नहीं चलेगा तो आप इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे इसको आई वन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे आई वन मान करके इसकी वैल्यू अलग से निकाल करके इसमें क्या करना होगा डालना पड़ेगा ठीक है। तो आइए यहाँ पे I1 क्या करते हैं मानते हैं चलिए ठीक है इसको मिटा करके I1 मान करके बना करके तब वहाँ पे क्या करेंगे डालेंगे ठीक है। रॉन्ग मेथड दिखाए थे चलिए वन से समीकरण वन से चल रहे हैं तो I इक्वल टू आपका दिया गया है sec क्यूब एक्स आई इंटू टेन एक्स माइनस थ्री इसको I पुट करेंगे ठीक है। इसको I पुट करने के बाद में लिखेंगे इसको प्लस थ्री आई वन वन मान लिया इसको लेट कर लिया माना जब I वन मान लिया तो मान लिया तो इसको इस साइड में लाओ तो इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो फोर आई इक्वल टू आई या प्लस थ्री फोर आई sec क्यूब एक्स आई इन टू टेन एक्स अब प्लस
कितना जाएगा थ्री आई वन, देन आई इक्वल टू निकालिए ये हो जाएगा वन बाई फोर लिख देते हैं आगे में वन बाई फोर ये हो जाएगा sec क्यू एक्स इन टू टेन एक्स अब प्लस थ्री बाई फोर आई वन, ये समीकरण का हो गया टू। अब इसी में आई वन का मान अलग से निकाल करके क्या करेंगे डाल देंगे, तो आई वन बराबर आपका दिया गया इंटीग्रेशन sec क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका इस तरह से करेंगे, उसी तरह प्रोसेस वही है लेकिन यहाँ पे आई वन मान के करना होगा, सब कुछ वही है वही रहेगा लेकिन आई वन मान के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा sec x इन टू कितना हो गया sec स्क्वायर x dx, इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट। इसको सेकंड क्यों मान लिए, दोनों ट्रिगो है तो, दोनों ट्रिगो है तो कैसे पता चला, जिसका दोनों ट्रिगो रहता है तो जिसका समाकलन आसान होता है उसको सेकंड मानते हैं। तो sec स्क्वायर x का आईसी क्या होता है tan x, तो sec स्क्वायर x का आईसी tan x होता है, इसी वजह से इसको क्या माने हैं सेकंड, काहे सेकंड माने हैं, थोड़ा अपने से देखो, फर्स्ट को बाहर निकालेंगे सेकंड को बाहर निकाल देंगे आई एम रहेगा सेकंड sec स्क्वायर x का आईसी कर लेंगे हम डायरेक्ट फट दे, यहाँ sec रखते तो आईसी नहीं होता, sec का आईसी नहीं होता, ओप्पो करेगा तो मैंने दिक्कत होगा, आसान है इसका आईसी का है आसान है, उसमें होता है sec का आईसी log mod sec plus tan x, तो ओकरा से आसान है ही sec स्क्वायर x का आईसी कर सकता है। अब देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फर्स्ट को बाहर सेकंड का आईसी, सेकंड का आईसी फर्स्ट का डी सी डी sec x बाई कितना हो गया dx आइए और dx, ठीक है। अब इसके बाद देखिए sec x इंटू tan x माइनस ये कितना हो जाएगा tan x, और sec x का ऐसे कितना हो जाएगा sec x इंटू tan x dx, सब चीज वही आ रहा है, से आ रहा है ना, सब कुछ वही आएगा। तो ये चल रहा है आई वन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आई वन इक्वल टू sec x इंटू tan x माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x इन टू sec x dx, यहां देखिए sec x हो गया इंटू tan x माइनस इसको बदलेंगे tan x को sec स्क्वायर x माइनस वन, ये कितना हो जाएगा sec x dx, यहां तक उसमें भी आया था कि नहीं आया था, आया था। यहां देखिए sec x इंटू tan x माइनस गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा sec क्यू एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना sec x dx। अब देखिए इसको मान लेते हैं थ्री, समीकरण थ्री से क्या से समीकरण थ्री से, समीकरण थ्री में क्या करेंगे थ्री से इसका मान कितना है आई वन है, इसका मान क्या है, यही दिक्कत होता था उसमें, यहाँ से कैसे मान रखते थे आई वन, तो इसमें इसका वैल्यू क्या है आई वन है, इसको आई वन माने आई वन है, तो आई वन जो है लेकर चलेंगे तो यहाँ पे आई वन रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे आई वन, ध्यान दीजिए हो जाएगा देखिए आई वन इक्वल टू ये हो जाएगा sec x इन टू tan x माइनस ये हो गया आई वन, ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कर दो इसका log mod sec x plus tan x, log mod sec x plus tan x प्लस आई वन को इधर लाएंगे, आई वन को क्या करेंगे इधर लाएंगे, तो आई वन का वैल्यू हो जाएगा टू आई वन हो जाएगा, चलिए आगे चलते देखिए इधर आई वन जोड़ेगा तो टू आई वन हो जाएगा, टू आई वन बराबर sec x इन टू था कितना tan x प्लस था log mod sec x प्लस tan x प्लस c, यहाँ पे हो गया I1 बराबर 1 by 2 log mod sec x in 1 by 2 sec x into tan x plus 1 by 2 log mod
sec x प्लस tan x अब प्लस कितना हो जाएगा c, एवं लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, c by 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर गया तो हाँ याद रखिए। अब I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर रखने पर समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर आइए रखते हैं तो I equal to समीकरण 2 में रखते हैं इसका ये 1/4 देखिए ध्यान से sec qx into tan x अब प्लस 3/1/4 sec qx into tan x अब प्लस 3/4 I1 के मान यहाँ पे पुट अप करना है, I1 के मान 20 आइए पुट करते हैं 1/2 sec x into tan x प्लस 1/2 आपका हो गया log mod sec x प्लस tan x अब प्लस c by का 2 यहाँ देखिए इसका कैपिटल c है, इसका कैपिटल c है। अब देखिए 1/4 sec qx into कितना हो गया tan x प्लस 4/3 से गुणा करो तो 3 by कितना हो जाएगा 8 3/8 sec x into tan x अब प्लस 3/8 log mod sec x प्लस tan x प्लस c by हो जाएगा 3 c by कितना 4 में क्या 8 अब प्लस कितना हो गया c 3 c अब by 8 प्लस C equal to capital C माना, सब C को एगो C मान लिए, सब C को क्या मान लिए एगो C। अब आते हैं तो I equal to आपका आंसर लिख रहे हैं I equal to 1/4 ध्यान दीजिएगा sec qx into tan x plus 3/8 sec x into tan x इसके बाद में प्लस है 3/8 ये हो जाएगा log mod sec x प्लस tan x sec x प्लस tan x अब प्लस बड़का सी दिस इज द का हो गया आंसर, उस बार भी इतना ही आया था ना, आया था ना इतना आंसर।